हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर कराऊंगा, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका कंडक्टिविटी, सेकंड इज मोलर कंडक्टिविटी। दोनों टॉपिक कवर करेंगे, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी सेल की। क्लियर है? साथ में इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा टॉपिक जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी। पहला देखिए कंडक्टिविटी होती क्या है। एक बैटरी देखते हैं हम, एक बैटरी है, सपोज ये बैटरी है, एक बैटरी निकाल लेता हूं मैं, ये एसी का रिमोट निकाल लेता हूं, निकाल लीजिए। एक निकाल दे बस। देखिए ये एक बैटरी है, इस बैटरी को जब मैं नई नई खरीद के लाऊंगा, परचेस करके लाऊंगा, तो इस बैटरी की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। आप इसको घड़ी में लगाइए, ठीक है, तो जो घड़ी है वो मूव करेगी, उसकी सुइयां मूव करेगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी उस टाइम सबसे ज़्यादा है। और उस टाइम पे जब नई खरीद के लाएंगे तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी सब ज़्यादा है। देखिए कुछ टर्म्स है जो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, जैसे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेसिस्टिविटी, ऐसे ही रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। ये सारे वर्ड हैं जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी के अंदर अगर मैं नई खरीद के लाया हूँ, न्यूली परचेज है ये, तो इसकी कंडक्टिविटी उस टाइम सबसे ज़्यादा होगी और रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी। अब मैंने इसको घड़ी में लगा के रखा है एक साल तक, सपोज कहते हैं एक साल तक ये चली, एक साल बाद इस बैटरी में आप देखोगे कि इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या इस बैटरी की लेंथ कम हो जाएगी? क्या लेंथ भी सेम रहेगी और इसका जो एरिया, तो बैटरी की जो कंडक्टिविटी होती है इनिशियली सबसे ज़्यादा होगी जब न्यूली परचेज होगी, और जैसे ही उसका टाइम बीतेगा उसकी कंडक्टिविटी घटेगी और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और उसका लेंथ और एरिया हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है भाई? रेसिस्टिविटी। इसके जो सिंबल्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले बेटा कंडक्टिविटी का सिंबल कहलाता है कापा, कापा इस तरीके से कहलाता है कापा। कापा एक कपड़ों का ब्रांड भी होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा कापा। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कापा। कंडक्टिविटी होती क्या है, सुनिए। एक सपोज कहता हूं ये मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी का एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये रहा, क्लियर, और ये अंदर से जुड़ी हुई है, क्लियर है, ठीक। और इस ये बैटरी की जो ये है वो है लेंथ, क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ अ बैटरी, दिस इज लेंथ ऑफ अ बैटरी, बैटरी की ये क्या है, लेंथ है। और ये जो पोर्शन है उसका, उसे कहते हैं ए, जिसे कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अंतर क्या होता है? एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अंतर ये होता है, देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 10 रुपये के 10 सिक्के ले लेता हूँ और एक के ऊपर एक रख देता हूँ, तो वो बन गया एक सिलेंडर, सिलेंडर एक बैटरी जैसा बन गया, ठीक है। उसका एक सिक्का होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक सिक्का क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला पोर्शन जो है बेटा, ये जो पोर्शन है ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सेम जो एरिया होगा वो यहाँ पर भी होगा, हाँ कि ना, और यही एरिया कहां पे होगा, यहां पे, सेम एरिया यहां पे भी होगा, सेम एरिया बेटा जी यहां भी होगा, और सेम एरिया यहां, मतलब हर जगह से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही है, वो क्या कहला रहा है, ए, क्या कहला रहा है, ए, ठीक है। कंडक्टिविटी की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहला रही है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय एन आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इस बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसके अंदर, इसमें केमिकल होगा ना, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी किसकी होगी भाई, इलेक्ट्रोलाइट की। और इसके अंदर जब आप पढ़ रहे हैं क्या, कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो जो बैटरी यूज करेंगे उसमें जो कंसंट्रेशन होगी,
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होगी? अननोन. क्या होगी? अननोन. हमें पता नहीं है. ठीक है, हमें नहीं पता होगी. होगी इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? अननोन. क्या होगी? अननोन. क्लियर है? ये बैटरी है, बैटरी का एरिया ये रहा, लेंथ ये रहा. ठीक है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय एन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंटेनर. ये पूरा का पूरा कंटेनर है. और जब डेफिनेशन हम लेंगे तो हम मान के चलेंगे कि भाई जो इसकी लेंथ है ना, उसकी लेंथ कितनी ले लेंगे हम? यूनिट लेंथ. यूनिट मतलब एक लेंथ. एक लेंथ वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यूनिट लेंथ. और जो इसका एरिया लेंगे, नीचे वाला जो एरिया है वो कितना लेंगे? यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और ये गिवन टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे चल रहा है. रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस. इसी को बोलते हैं क्या? कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल. क्लियर है? इस कंटेनर का जो लेंथ वो मान लेंगे क्या है? यूनिट लेंथ है. एरिया मान लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट स्क्वायर है. और इसमें जो कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? अननोन है. क्या है? अननोन. क्लियर है? अच्छा, कंडक्टिविटी आपका किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? रेसिस्टिविटी. किसके? रेसिस्टिविटी के. कंडक्टिविटी का सिंबल ये होता है. रेसिस्टिविटी का आप सबने सुना होगा बेटा, एक फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा पहले. देखिए ध्यान से, R इज इक्वल टू रो बाय एल ए. ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा. पढ़ाई वाला फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो बाय एल ए. अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिखूं, 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए. हाँ कि ना? सही है. ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या है भाई? कंडक्टिविटी. और रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी. रो क्या होती है यहाँ पे? रो होती है रेसिस्टिविटी. बोलो बेटा, रेसिस्टिविटी. क्लियर है? रेसिस्टिविटी. और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे. मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? काप्पा के. तो काप्पा जो है वो हो जाएगा 1 बाय आर इंटू एल बाय ए. एल बाय ए क्या हो जाएगा? एल बाय ए. ठीक है, ठीक. कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रेसिस्टेंस. आर इज रेसिस्टेंस, एल इज लेंथ, ए इज एरिया. ए इज एरिया. क्लियर है? अच्छा, बैटरी नई हो या पुरानी, इसकी लेंथ चेंज होगी, इसका एरिया चेंज होगा. मतलब एल भी चेंज नहीं होगा, ए भी चेंज नहीं होगा. मतलब एल बाय ए, एल भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो उसका रेशियो भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा. तो यहाँ पे आपका जो एल और ए दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. उसको हम ले लेते हैं जी स्टार से. जी स्टार क्या कहलाता है यहाँ पे? सेल कांस्टेंट. क्या कहलाता है बेटा? सेल कांस्टेंट. सेल का कांस्टेंट क्या कहलाता है? जी स्टार इज सेल का कांस्टेंट. क्लियर है? तो आपका जो फॉर्मूला बना बेटा कंडक्टिविटी का, काप्पा इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए. या फिर इसको बोल सकते हैं काप्पा इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू जी स्टार. जी स्टार इज सेल कॉन्स्टेंट. क्लियर है? अच्छा, ये चीजें तो आ गई बेटा. अब इसकी यूनिट्स भी लिख लेते हैं साथ साथ में. अगर आपसे पूछा जाए, डिफाइन करने को बोले व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय एन आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंटेनर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड कंडक्टिविटी. देखिए क्या लिखा हुआ है. कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय एन आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंटेनर ऑफ यूनिट लेंथ. मान लेनी है डेफिनेशन में इसकी लेंथ कितनी मान लेनी है आपको? यूनिट लेंथ. कितनी? यूनिट लेंथ. और जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आपकी गिवन दे रखी होंगी, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा. ठीक है, कंटेनर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल. कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल. अब इसकी यूनिट्स निकाल लेते हैं बेटा. देखिए इससे जज करते हैं, इस वाले से. ठीक है, 1 बाय आर है. आर की क्या होती है? ओम होती है. तो इसको लिख दूं मैं सबसे पहली यूनिट इसकी, ओम इनवर्स. सही है, ओम इनवर्स. क्लियर है? इसको मैं मीटर में ले लेता हूं और इसको मीटर स्क्वायर में. तो मीटर मीटर कट जाएगा, यहां मीटर बचेगा, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स. क्लियर? पहली यूनिट होगी इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. दूसरी, ओम इनवर्स को मैं एक और चीज लिख सकता हूं, इसके जो लेटर है ना उसको उल्टा कर दूं. ओम इनवर्स को लिख सकता हूं मोह. क्या लिख सकता हूं? मोह. देखो स्पेलिंग उल्टी कर दी मैंने, तो भी चलता ही है. सही है, और मीटर इनवर्स का मीटर इनवर्स. क्लियर है? पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी एक और लास्ट यूनिट है इसकी. ओम इनवर्स को
एक और नाम से जाना जाता है, नाम है उसका साइमन या फिर सीमन, जो भी आप बोलिए। साइमन वैसे प्रोनाउंस किया जाता है साइमन मीटर इनवर्स। ये तीन यूनिट है इस किसकी, किसकी कंडक्टिविटी की। फास्ट नोट करिए इसको बेटा जी, फास्ट जल्दी। जल्दी डन हो गया ठीक। सबसे पहले कंडक्टिविटी पढ़ा, फॉर्मूला याद रखिएगा ठीक है। अब बढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में बस एक ही डिफरेंस है, हम यहाँ पे जो सेल ले रहे हैं उसके अंदर लेंथ ले रहे हैं यूनिट लेंथ, और ये ले रहे हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट स्क्वायर ठीक है। और कंसंट्रेशन इज अननोन। बस दोनों में डिफरेंस ये होगा कि बैटरी में लेंथ भी वही है, एरिया भी वही है, एक चीज का डिफरेंस है वो इसकी कंसंट्रेशन नोन होगी। क्या होगी? क्योंकि वो है मोलर कंसंट्रेशन। क्या है? मोलर कंसंट्रेशन दूसरा वाला। और डेफिनेशन भी चेक करोगे तो बस यही शो करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यहाँ पे शो कर रखी है। देखिए हम यहाँ पे बस लेंगे, ये आपके पास एक बैटरी होगी बेटा जी, ये बैटरी होगी ठीक है। ये हो गया ए, जिसे बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है। और ये क्या हो गया? लेंथ। क्या हो गया? लेंथ ठीक है। यहां पे उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी बैटरी क्या थी? अननोन थी। यहां पे क्या लेनी है? नोन कंसंट्रेशन होगी। हमें पता होगा कि कंसंट्रेशन उसकी क्या है, नोन कंसंट्रेशन होगी। किसके अंदर? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। किसकी? मोलर कंडक्टिविटी ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। किसकी हो रही है? मोलर कंडक्टिविटी की ठीक है। सेम डेफिनेशन है भाई, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय एन आयंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। वहां पे लिखा हुआ था ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंटेनर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? फॉर्मूले में भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये है उसको कापा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा एम से करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा एम ठीक है। और लैम्डा एम कैसा होता है भाई? देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आपको पता है वो 1000 ऊपर लग जाता है, पता है ना, 1000। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसमें बस ये आ गया है, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? नोन होगी। और कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन अननोन होती है, और इसमें कंसंट्रेशन नोन है, परफेक्ट है ठीक है। इसको अगर मैं और खोल लूँ बेटा, तो कप्पा क्या होता है भाई? 1/r इंटू एल बाय ए इंटू 1000 अपॉन सी। अच्छा, सी याद रखना बेटा, यहाँ जो कंसंट्रेशन होगी ना, जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलैरिटी होगी। क्या होगी? कंसंट्रेशन यहां पे कौन सी होगी? मोलैरिटी। क्या होगी? कंफ्यूजन मत रखना, कंसंट्रेशन तो बहुत तरीके की वैसे, मोलैरिटी ईटीसी, लेकिन यहां पे जो होगी कौन सी होगी? कौन सी? मोलैरिटी। क्या होगी? मोलैरिटी ठीक है ना। ठीक,
अच्छा इसको और मैं अगर आगे बढ़ाऊं बेटा तो इसको मैं और एक और चीज लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जी स्टार। तो लैम्डा एम को और आगे आगे बढ़ाऊं तो 1 बाय आर इंटू जी स्टार, सही है, इंटू अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स की बात हो गई, यूनिट्स लिखते हैं बेटा, इसकी यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला देखिए बेटा, ध्यान सुनिए, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, सही है, पहला ओम इनवर्स, सही है, और ये जी स्टार, जी स्टार क्या, इसको इसको देख के चलते हैं इसी को, ठीक है। ये होगा मीटर, मीटर, ये होगा देखिए मीटर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी याद रखिए, 100 को तो हटा दीजिए। अच्छा कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल नीचे आ गया, वॉल्यूम कहाँ भेज दूँ, ऊपर है, वॉल्यूम ऊपर आ गया, तो वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मीटर क्यूब, नहीं लिख सकता, मीटर क्यूब। तो ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर क्यूब, तो इसके दो, ये हो जाएगा टोटल मीटर का 4 हो जाएगा, समझ आया, ये मीटर क्यूब और मीटर, मीटर 4 और मीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा ऊपर, क्या बचेगा, मीटर का स्क्वायर, और मोल नीचे है तो मोल हो जाएगा ऊपर इनवर्स, नहीं आया समझ, समझ आ गया मो। अच्छा ये पहली इसकी यूनिट हो गई, तो ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, मोह लिख सकते हैं, मोह, और ये सारा का सारा सेम, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, और क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को, साइमन मीटर स्क्वायर ओम, ओ सॉरी मोल इनवर्स। तो ये इसकी तीन यूनिट्स हैं, और क्लियर है, जल्दी नोट करिए। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस पर, फर्स्ट जल्दी, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या क्या रखा है, पहला न्यूमेरिकल ये है आपका एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का 3.8 है, एक्सरसाइज का 3.8 है, एक्सरसाइज का 3.8 है बेटा जी। ये देखिए क्या क्या रखा है, कंडक्टिविटी, आपको यूनिट से चीजों को पहचानना है, ठीक है। क्या रखा है, कंडक्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m, क्या होता है मोलैरिटी, तो यहां पे मैं सॉल्यूशन डालूंगा और फटाक से लिख देता हूं, भाई मुझे सी पता है कितना है, 0.20 मोलर, हाँ कि ना, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन दे रखा है, बैटरी में केसीएल, ठीक है, और वो किस टेम्परेचर पे है, जैसे मैंने बताया था एट ए गिवन टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 225 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, इज ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, किसकी यूनिट होती है, मोलर कंडक्टिविटी में चेक करो, किसकी होगी, काप्पा की, किसकी, काप्पा, वो कितनी देर के, 0.0248 साइमन, साइमन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ये सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो बेटा लेंथ तो है ही ना, वो तो डिपेंड करता है कि बैटरी कितनी बड़ी है, अगर छोटी बैटरी है तो सेंटीमीटर में होगी, बड़ी बैटरी है तो मीटर में होगी, और न्यूक्लियर की बैटरी हो तो वो किलोमीटर में होगी, उससे क्या फर्क पड़ता, लेंथ इज लेंथ ना, लेंथ तो लेंथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर ओ लेंथ की यूनिट है ना, बस काफी है ना, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है अब, क्या, और यहाँ पे तो आपको दिख ही भी रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो गिवन कैसे होगी, वो ये भी तो है, ये तो निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लैम्डा इजिकल टू कापा इंटू 100 अपॉन सी, कापा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन व्हाट इज सी, 0. इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा अपॉन, और इसके दो ऊपर ले लीजिए, ये हो गया 20 नीचे, ये हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, अब सही है ना, काट दिया, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, और वो आएगी किसके अंदर,
लैम्डा एम निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट होगी साइमन मतलब एस, ठीक है, और ये लेंथ जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और मोल का इनवर्स निकालिए बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। वन टू फोर, हाँ बोलो। ऐसे यूनिट में तो नहीं दे रखा हमारे को, के है। क्या के जो है सेंटीमीटर इनवर्स है, अगर वो फिर ऐसे यूनिट में नहीं, फिर लेंथ कैसे यूनिट मीटर में? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप बस लेंथ निकाल रहे हो ना, उसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा यूनिट में निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप निकाल दीजिए जिसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, अगर सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में है तो सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में आपका लैम्डा एम निकलेगा, अगर किलोमीटर के रिस्पेक्ट में दे रखा होता तो किलोमीटर के रिस्पेक्ट में निकालते, मीटर के रिस्पेक्ट में है तो मीटर के रिस्पेक्ट में निकालते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस में दे रखा है, बस वो लेंथ की होनी चाहिए। हाँ बोलो। ये बस इस चैप्टर के लिए वैलिड है, फिर और भी सबके लिए बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आप जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड ही होती है हमेशा? किलोमीटर पर आवर भी तो होता है, नहीं होता है? किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता है, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग निकलेगा आपका लैम्डा एम। क्यों फर्स्ट जल्दी आपका हो गया सर? नहीं हुआ, ये हो गया 3.8, ठीक है। 9 देखो, एक्सरसाइज का ही है, लिख लेना एक्सरसाइज 3.9। क्या क्या रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, ये क्या दे रखा है, मोलारिटी, ठीक है, और सॉल्ट कौन है मतलब इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेड से लिखते हैं बेटा। अब देखो यहाँ भी तो सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर में चेंज करोगे, ठीक है ना, वो जिसके रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में। हाँ क्या दे रखा है आपको, पहले ही दे रखा है सी, कितना है 0.001 मोलर, क्लियर है, ठीक है। टेम्परेचर समझ गए 298 है, और ये ओम है तो क्या दे रखा है, कितना है 1500 ओम्स, क्लियर है। व्हाट इज सेल कॉन्स्टेंट, क्या निकालना है, जी स्टार, ठीक है, उसी कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, और आपको दे रखा है कंडक्टिविटी दे रखी है, यूनिट से पहचान रहे हो, यूनिट से दिख रही है, पहचान रहे हो ना, कंडक्टिविटी है वो, तो कापा 0.146 × 10⁻³ है वो, ठीक है बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हालांकि यहाँ पे हमें इसका कोई यूज ही नहीं है, यहाँ पे इसका यूज ही नहीं होगा, इसका यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लैम्डा एम ना पूछा है ना गिवन दे रखा है, पूछता या गिवन दे रखा होता तो मैं सी का यूज़ करता, हमारा बिन सी के काम चल जाएगा। देखो अगर मैं लिखूँ कापा इज इक्वल टू 1/r × L/a, सही है, कापा इज इक्वल टू 1/r × g*, सही है, हाँ कि ना, बोलो बेटा, तो वट इज़ जी स्टार, के इंटू आर, वट इज़ के, सही है, हाँ कि ना, एंड व्हाट इज ये आर, क्या निकालना है बेटा, जी स्टार क्या होता है, एल अपॉन ए, मतलब यहाँ सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट के सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, समझ आया, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। सॉल्व करो जल्दी फटाफट, जल्दी बढ़े नेक्स्ट पे। ये देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा जैसे पहले बैटरी थी, नई बैटरी खरीद के लाए हम, तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, टाइम बीतेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, और रेजिस्टिविटी उसका एल अपॉन ए तो सेम ही रहेगा, एल अपॉन ए मतलब लेंथ बाय एरिया, है ना, जी स्टार तो सेम ही रहेगा, तो ये किस्सा इसके अंदर है, ध्यान से देखना, ठीक है। बैटरी को ना दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या रखा है, मतलब जब ज़्यादा कंसंट्रेशन थी उसमें मतलब वो नई थी, कम कंसंट्रेशन मतलब पुरानी होगी, मतलब कम धीरे चलने लगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही खत्म होता जा रहा है उसके अंदर, तो इस तरीके से बता रखा है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। हाँ क्या रखा है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद इतनी कंसंट्रेशन के साथ, और KCl है, और उस टाइम उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम है, ठीक है, 100 ओम है, ठीक है,
अच्छा, जब इतनी कंसंट्रेशन है तो उसकी उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इतनी है इफ, ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेल सेम है मतलब एल बाई ए क्या है, सेम रहेगा, सेम सेल, व्हेन फिल्ड विद, उसकी कंसंट्रेशन पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी, मतलब कंसंट्रेशन घट गई तो रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, समझ आया? मतलब ये नई कंडीशन है और ये वाली पुरानी है, समझ गई? ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, आपको कप्पा निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसके लिए, पुराने वाले के लिए, किसके लिए, जब कंसंट्रेशन कितनी है, समझ आया, 0 पॉइंट इसके लिए, और कंडक्टिविटी 0 पॉइंट नई वाले के लिए कंडक्टिविटी दे रखी है, समझ गया बेटा? ठीक है, तो ओल्ड और न्यू करके डाल लेते, ठीक है, या केस वन केस टू, केस वन को नई बैटरी मान के जब नई थी और केस टू को पुरानी वाली मान लेते हैं, नहीं आ रहा समझ? ठीक है, तो केस वन जो मान लेते हैं नई बैटरी थी और केस टू जो कौन सी, पुरानी बैटरी, ठीक है, तो केस वन के लिए आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन सी वन इज इक्वल टू 0.1 मोलर, सही है, मोलर, सही है, और उस टाइम पे आर वन भी गिवन दे रखा था, कितना है, 100 ओम, सही है बेटा, और केस वन के लिए आपको काप्पा भी दे रखा है, देखो, ठीक है, इस वाली के लिए है ना, तो काप्पा वन भी लिख लेते हैं, 1.29 साइमन मीटर, देखो ये मीटर में दे रखा है भाई, देख लो ये मीटर में दे रखा है, ठीक है ना, ठीक है, दूसरे केस में कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 0.02 मोलर, सही है, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 520 ओम, सही है, इस टाइम आपको कप्पा 2 निकालना है और लैम्डा एम 2 भी निकालना है, सही है, इसके लिए दोनों में क्या सेम होगा, जी स्टार, तो यहां से इसका जी स्टार निकाल लेते हैं फटाक से पहले, ठीक है, देखो जी स्टार निकाल लेते हैं, देखो बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, इसके लिए जी स्टार निकाल लेते हैं, तो बेटा जी ये देखो, कप्पा 1 इज इक्वल टू 1/r1 इंटू जी स्टार, सही है, सही है, जी स्टार, जी स्टार में 1 और 2 मत डालना क्योंकि इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए वो सेम है, ठीक है ना, तो जी स्टार क्या हो जाएगा बेटा जी, कप्पा 1 इंटू आर 1, ठीक है, कप्पा 1 की वैल्यू इज 1.29 इंटू 100129, ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक है, समझ आ गया बेटा, जी स्टार जो दोनों में कॉमन होगा, अब इस जगह निकालते हैं क्या, कापा वन, ठीक है, देखिए कापा, सॉरी कापा टू, कापा टू इज इक्वल टू 1/r2 इंटू जी स्टार, ठीक है, तो आर टू दे रखा है कितना है, 520, और जी स्टार कितना निकला, यहां से निकाल लोगे, ठीक है, और कापा टू है तो किस में निकलेगा, साइमन मीटर इनवर्स, नहीं आया समझ, सॉल्व कर लोगे, अच्छा इसको सॉल्व कर लेता हूं बेटा, चलो मैं देखो 129 डिवाइड बाय 5, ये आ गया आपका कापा 2 0.248 साइमन मीटर इनवर्स, क्लियर है, क्लियर, अब निकालते हैं लैम्डा एम का 2, क्या हो जाएगा भाई, कापा 2 इंटू 100/c2, सही है, c2, कापा 2 की वैल्यू निकाल ली हमने 0.C2, व्हाट इज C2, 0.0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा एम टू हो जाएगा बेटा आपका 124 × 10^2, और ये हो जाएगा साइमन मीटर का स्क्वायर मोल का इनवर्स, सही है, ठीक है, सॉल्व आंसर जल्दी फास्ट, तो बेटा जी ये आपका पूरा का पूरा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी थी, इस वीडियो में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दोनों बताए मैंने, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए टेक केयर।